भैया चाचा थोड़ा देखने दो, आइए पीछे आइए जी, चीफ भीम आर्मी, संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी, वो चूंकि आज यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर हमको भेजा है। और आज आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से हम पूरी दुनिया को उर्स रज़वी की मुबारकबाद देना चाहते हैं और पूरी दुनिया में उर्स आला हजरत के मौके पर अमन का, शांति का पैगाम जो आला हजरत ने अपनी ज़िंदगी में दिया, अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। और हमारा देश सूफी संतों का देश है, हमारा देश अमन और शांति के अलमबरदारों का देश है। लिहाजा हम इस उर्स के मौके पे पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देते हैं और आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ दुआ करेंगे अपनी कामयाबी के लिए, अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाएगा। हम देश में इंसाफ का, संविधान का राज चाहते हैं और आने वाले वक्त में देश में इंसाफ का राज हो, संविधान का राज हो, ऐसी आशा करते हैं। इसलिए हम अपने पूरे आइए आती रही है, लेकिन 2009 से रेगुलर सालाना ये चादर
प्रेसिडेंट की तरफ से पेश की जाती है। इस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस सोनिया गांधी जी हैं, उनकी तरफ से ये चादर जो प्रतिनिधि मंडल लेकर आया है, मेरे यानी जिस दिन से ये चादर शुरू हुई है उस दिन से मुझे इसमें शामिल रहने का सौभाग्य मिला है। और शुरू कराने के वक्त से हमारे साथ अहमद खान साहब, ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर नेशनल हमारे साथ वाहिद कुरैशी साहब हैं, ये दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे साथ अंजला उस्मानी साहब हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है ऑल इंडिया कांग्रेस अकलियती सेल से, और हमारे साथ शहीन मुर्दी साहब हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है ऑल इंडिया कांग्रेस से। लिहाजा इस बार हमारे चेयरमैन साहब क्योंकि कोरोना संक्रमित हैं तो वो तकरीबन 10 दिन से क्वारंटाइन है, इसलिए नदीम जावेद साहब नहीं आ पाए हैं। हमने नदीम जावेद साहब की हेल्प के लिए, अहमद पटेल साहब की हेल्प के लिए और उसके साथ साथ सोनिया जी की हेल्प के लिए और तमाम मुल्क से और दुनिया से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ की है। और यही कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सज्जादा साहब हजरत सुभानी मियां साहब के नाम जो पैगाम अपना भेजा है उसमें देश में अमन शांति की बहाली, कोरोना वायरस की वबा से पूरी इंसानियत और देश को बचाना, इसी के लिए दुआ करना और कोविड की जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं उनको लेना ऐसी आशा की है। इसलिए इस बार सबसे छोटा डेलीगेशन कोविड की वजह से भेजा गया और ये कांग्रेस प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि 5 लोग जाएंगे और कहीं भी ज़्यादा भीड़ भड़का से बचा। तो साहब जो कांग्रेस की तरफ से आप चादर पेश हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए दरगाह आला हजरत पर आपने देखा होगा लगातार पिछले सालों कई वर्षों से जो है लगातार चादर यहाँ पर आ रही है। आज 102 उस पर भी हमारे मराठी के नेशनल प्रेसिडेंट नदीम जावेद साहब के डायरेक्शन में ये चादर यहाँ पर आई है, सोनिया जी के द्वारा ये चादर यहाँ पर भेजी गई है, जिसको लेकर हफीजुर रहमान साहब JNU के प्रोफेसर साहब हैं, हमारे शमीम साहब हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं, वाहिद साहब हैं और 3-4 लोग और उनके साथ में आए हुए हैं जो दिल्ली कांग्रेस के हमारे मराठी के प्रेसिडेंट हैं। इस चादर को यहाँ पर भेजने का मकसद खास तौर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चैन अमन कायम रहे, क्योंकि आपने देखा है खानकाहों से हमेशा चैन अमन का पीस का मैसेज जाता है और इसी क्रम में यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन COVID-19 के इस दौर में हम लोग उसी तरह से जो है COVID-19 की जो है गाइडलाइन को फॉलो करके इस काम को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे जो मुरीदीन वगैरह जो हैं हुजूर के हजरत के जो चाहने वाले हैं वो बहुत गमजदा हैं, इस चीज़ को लेकर के हमें आने का मौका नहीं मिल पाया। तो ये एक मैसेज है जो पूरी दुनिया में यहाँ से जा रहा है, चैन अमन का पीस का मैसेज यहाँ से जा रहा है। ठीक है, 102वें उर्स में ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन चादर पोशी करने आए हैं सोनिया जी की तरफ से, और माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं नदीम जावेद साहब उनकी तरफ से पूरा एक डेलीगेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान, शमीम साहब, वाहिद साहब, अहमद साहब सब लोग लेकर आए हैं। और ये सिलसिला 98 से लगातार चलता है, ये परंपरा एक स्थापित हो गई है और ये चादर एक सिंबल है पीस एंड हार्मनी का और COVID-19 के खात्मे का। और मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस का संदेश भी है कि कौन है अपना, कौन पराया, पहले हम पहचाने तो। गीता और कुरान की बातें जानते सब हैं, माने तो। सत्य, अहिंसा, प्यार, मोहब्बत मजहब की बुनियादें हैं और धर्म के नाम पर लड़ने वाले पहले धर्म को जाने तो।